हेलो नमस्कार जय हिंद। आज के एपिसोड में हम लोग इस बात को समझने वाले हैं कि अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जो खिचड़ी पक रही है, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव, इनके बीच में जो खिचड़ी पक रही है, उसका असर क्या पड़ेगा। क्या अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को समर्थन देकर या केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन लेकर क्या सरकार बना सकते हैं, इसके संबंध में दल बदल कानून क्या कहता है, तो दल बदल कानून के संबंध में बात करेंगे। तो डिटेल्स में आपको समझाएंगे कानून क्या कहता है, संविधान इसके संबंध में क्या कहता है, क्या सरकार बन सकती है इस प्रकार या नहीं बन सकती है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिलती रहे। देखिए चर्चा में क्यों आया है, चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि मानसून ऑफर 100 लाओ और सरकार बनाओ, यानी कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को इन्होंने आमंत्रित किया था कि 100 MLA तोड़कर लाओ और हम आपको सपोर्ट कर देंगे, सरकार बनवा देंगे, आपको मुख्यमंत्री बनवा देंगे, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं इस ट्वीट का। मानसून ऑफर ब्रिंग 100 फॉर्म द गवर्नमेंट, इसलिए चर्चा में आ गया है दल बदल कानून। ये केशव प्रसाद मौर्य हैं, ये योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य। ये दोनों अभी फिलहाल एक दूसरे से खपा हैं, इसलिए केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने मानसून ऑफर दिया है। लेकिन सरकार कैसे बन सकती है, सरकार अगर कैसे बनाना हो, केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव को साथ में मिलकर सरकार बनाना हो, तो सरकार कैसे बन सकती है। देखिए दो चीज़ें हैं सरकार बनाने के लिए, दो बातें हो सकती है, या तो समाजवादी पार्टी द्वारा बाहर से समर्थन दे दिया जाए। अगर बाहर से समर्थन दिया जाता है तो सामान्यतः मंत्रालय नहीं मिलता है किसी प्रकार का, केवल बाहर का समर्थन है, तो सामान्यतः मिल भी सकता है, गारंटी नहीं है लेकिन सामान्यतः नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है कि सरकार में साथ बनवाना, अगर सरकार में शामिल हो जाए तो सब कुछ जो है कि यानी कि सरकार डिस्ट्रीब्यूट करके सरकार में शामिल होकर सरकार बनवाना, तो इस प्रकार के चीज़ों में सामान्यतः हिस्सेदारी होती है सरकार में, यानी कि दोनों की सरकार में हिस्सेदारी होगी, दोनों के कुछ कैंडिडेट्स होंगे सरकार में, दोनों को मंत्रालय का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इत्यादि चीज़ें। तो बाहर समर्थन देना पड़ेगा या साथ में रहकर सरकार बनवाना पड़ेगा, इसके संबंध में हम अभी बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये निर्वाचन आयोग का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट मैंने खोला है, यहाँ से आपको बता दूँ कि किसकी कितनी सीटें हैं, तभी आप समझ पाएंगे दल बदल कानून को समझ पाएंगे। इससे पहले देखिए तो अपना जो 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, इसमें 255 सीटें भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 255 सीटें मिली, बीजेपी को 255 सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली। हालांकि स्थिति अभी यह नहीं रह गई है, कुछ कैंडिडेट, कुछ विधायक लोकसभा का चुनाव लड़के संसद तक, दिल्ली तक पहुंच गए हैं, तो अब कुछ इस प्रकार से कुछ सीटें खाली हो गई हैं, यानी कि 10 सीटें इसमें से खाली हुई है। और 10 सीटें खाली होने के बाद इन सीटों का बंटवारा कुछ इस प्रकार से हुआ है। इसमें वर्तमान की स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी को 251 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 251 सीटें हैं और SP यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ फिलहाल 105 सीटें हैं। 10 सीटें खाली हो गई थी, जिसके संबंध में उपचुनाव भी होना है, उत्तर प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव होगा उस 10 सीटों के लिए। तो अभी फिलहाल में 251 सीटें बीजेपी के पास है, 105 सीटें सपा के पास है। अब बात करते हैं कि क्या मौर्य SP में शामिल हो सकते हैं। देखिए भाजपा में रहकर अगर सरकार बनवाना चाहे अखिलेश के साथ मिलकर, भाजपा ये मौर्य जी भाजपा में रहकर अखिलेश के साथ अगर मिलकर सरकार बनवाना चाहे तो अध्यक्ष की अनुमति इसके लिए जो जरूरी होती है, पार्टी की अनुमति जरूरी होती है, और अगर पार्टी से निकल जाए सपा में जाना चाहे तो दल बदल कानून आ जाता है, दल बदल कानून इसको प्रतिबंधित करता है। लेकिन दल बदल कानून क्या होता है, देखिए दल बदल कानून जो है ये 1967 की बात है, हालांकि 1970 तक काफ़ी दल बदल हुए। विधायक या सांसद क्या करते थे कि अपने फायदे के लिए एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी, तीसरे से चौथे पार्टी में, कहाँ जहाँ इच्छा करता था वहाँ चले जाते थे, किसी प्रकार का ऐसा कानून था नहीं। 1967 में, अक्टूबर 1967 में तो गजब हो गया, और गजब यह हो गया कि हरियाणा के एक विधायक थे जिनका नाम था गयालाल, इन्होंने 15 दिन में 3 बार दल बदल किया, 15 दिन में
तीन बार पार्टी चेंज किया, एक पार्टी में गए वहाँ मजा नहीं है, दूसरी पार्टी में गए वहाँ मजा नहीं है, तीसरी पार्टी में गए, तो 15 दिनों में ही, केवल 15 दिनों में तीन बार पार्टी चेंज किए। इतना जल्दी जल्दी तो कोई जीएफ चेंज नहीं करता है जितने जल्दी जल्दी पार्टी चेंज कर लिए। खैर, तो इन्होंने पार्टी चेंज किया और ये जो है कि राजनीति में हलचल मचा दिया ये चीज़ें। 15 दिन में तीन बार पार्टी को चेंज करना राजनीति में हलचल मचा दिया, इसलिए कानून की जरूरत पड़ी जिसे दल बदल कानून कहा गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। 1985 में संविधान में 52वां संशोधन किया गया और 52वां संशोधन करके 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को डाल दिया गया। 10वीं अनुसूची में इसका उद्देश्य भारतीय राजनीति में दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करना, यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, पार्टी को चेंज करना, इस कुप्रथा से मुक्ति दिलाना इस कानून का उद्देश्य है। लेकिन दल बदल कानून के मुख्य प्रावधान क्या है? देखिए, मुख्य प्रावधान ये है कि दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी भी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, यानी कि उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है, उसकी सदस्यता कैंसिल की जा सकती है, चाहे वो संसद का सदस्य हो अर्थात सांसद हो, चाहे किसी राज्य में विधानमंडल का सदस्य हो अर्थात विधायक हो, कोई भी हो, उसकी सदस्यता कैंसिल की जा सकती है। कैसे? एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वो जीता है उस पार्टी से सदस्यता छोड़ दे, उस पार्टी को छोड़ देगा अगर, तो उसकी सदस्यता ही चली जाएगी, सदस्यता कैंसिल हो जाएगी, दल बदल आ जाएगा उसके ऊपर। कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, कोई सांसद या विधायक है वह किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं जीता है, वह निर्दलीय रूप से चुनाव जीता है, तो निर्दलीय रूप से चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी में आधिकारिक रूप से शामिल नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ही शामिल होगा दल बदल कानून आ जाएगा उसके ऊपर। किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाना, यानी कि जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव जीता है उस पार्टी के कहना मानना पड़ेगा, वो पार्टी कहती है कि किसी वोटिंग में कहती है कि फलां को वोट देना है, वहां वोट देना है, तो वहीं पर वोट देना पड़ेगा, अर्थ या अगर वहां नहीं देते हैं तो फिर पार्टी का अपोज हो जाएगा, और पार्टी का अपोज हो जाएगा तो दल बदल कानून आ जाएगा। कोई सदस्य स्वयं वोटिंग से अलग रखता हो, उनको लगता है कि अगर हम जिस दिन वोटिंग करना है उस दिन अगर हम वोटिंग में शामिल होंगे तो पार्टी जहां कहेगी वहां देना वोटिंग करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि हम उस दिन अब्सेंट हो जाते हैं, तो ये भी नहीं कर सकते, उस दिन अब्सेंट भी नहीं रहते, अब्सेंट हो जाएंगे तो दल बदल कानून आ जाएगा। गलती से उनकी तबीयत खराब हो जाएगी तब क्या होगा? अगर तबीयत खराब हो जाएगी किसी कारणवश, कोई इमरजेंसी हो गई, अब्सेंट होने का जेन्युइन रीजन था, तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी अपने पार्टी से, जिस पार्टी से आप सदस्य हैं उस पार्टी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और 14 दिन के भीतर अगर पार्टी माफ़ कर देती है आपको तो फिर सदस्यता नहीं कैंसिल होगी, और पार्टी अगर नहीं माफ़ करती है तो सदस्यता कैंसिल हो जाती है। 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, कोई विधानसभा में तो किसी को मनोनीत नहीं किया जाता है, पहले एक लोगों को किया जाता था अब नहीं किया जाता है, लोकसभा में पहले 2 लोगों को मनोनीत किया जाता था अब नहीं किया जाता है, ये एंग्लो इंडियन थे अब खत्म हो गया। विधान परिषद में राज्यों के विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है, और केंद्र में जो राज्यसभा है उसमें मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ पर जो मनोनीत सदस्य होते हैं, चाहे विधान परिषद के हों चाहे राज्यसभा के हों, जो भी मनोनीत किए जाते हैं वो छः माह के बाद किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में अगर शामिल हो जाएंगे तो उनकी सदस्यता कैंसिल हो जाएगी, उसी समय नहीं शामिल हो सकते क्योंकि दल बदल विरोधी कानून लग जाएगा उन पर। लेकिन दल बदल जब विरोधी कानून लगेगा तो अयोग्य घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है, अर्थात उनकी सदस्यता को कैंसिल करने की शक्ति किनके पास होती है? तो ये शक्ति सदन के अध्यक्ष के पास होती है, अर्थात अगर लोकसभा की बात है तो लोकसभा का अध्यक्ष, अगर विधानसभा की बात है तो विधानसभा का अध्यक्ष। तो इस प्रकार से सदन का अध्यक्ष या सभापति जो भी है उसके सदस्यों को अयोग्य करार दे सकता है, उसके पास शक्ति होती है। विधानसभा अध्यक्ष का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, लेकिन अध्यक्ष किसी को सदस्यता रद्द कर रहा है दल बदल कानून लगाकर, एंटी डिफेक्शन लॉ लगाकर किसी की सदस्यता कैंसिल कर रहा है, रद्द कर रहा है, तो उस पर जांच किया जा सकता है, न्यायपालिका उस पर जांच कर सकती है कि क्या वो सही किया है या मनमानी ढंग से तो नहीं कर दिया है ना, तो इसलिए उस पर जांच किया जा सकता है, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। यदि सदन के अध्यक्ष के दल से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है, यानी कि
जिस सदन की बात है उस सदन के अध्यक्ष पर ही प्रश्न उठा हुआ है, या फिर अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उस सदन के सदस्य मिलकर तय करेंगे कि उसके उस समय अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करे, तो वहीं कार्य उस वो पावर शक्ति उसको मिल जाती है। दल बदल विरोधी कानून के अपवाद भी कुछ हैं। अपवाद क्या क्या हैं? कम से कम 2/3 सदस्य विलय के पक्ष में होने चाहिए। किसी भी पार्टी से कुछ सदस्य निकलना चाहते हैं, भले ही उसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते हैं, लेकिन फिर भी उस पार्टी से निकलना चाहते हैं, तो 1-2 सदस्य अगर निकलेंगे, 2-4 सदस्य निकलेंगे तो सदस्यता रद्द हो जाएगी, एंटी डिफेक्शन लॉ अर्थात दल बदल कानून आ जाएगा। लेकिन एक ही बार में 2/3 सदस्य निकल जाते हैं, एक ही बार में 2/3 सदस्य निकल जाते हैं अर्थात 66% लगभग होगा, तो 2/3 सदस्य एक ही बार में निकल जाते हैं, तब एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, दल बदल कानून लागू नहीं होगा, उन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। लेकिन इसमें भी समस्या है कि 2/3 जब निकलेंगे तो अपनी पार्टी नहीं बना सकते। अगर 2/3 सदस्य निकलेंगे तो अपनी पार्टी नहीं बना सकते हैं, किसी पार्टी में विलय करना होगा, किसी पार्टी में विलय अर्थात 2/3 सदस्य एक साथ निकलेंगे और सोचेंगे कि अपनी पार्टी बना लें तो फिर सदस्यता रद्द हो जाएगी, तो अपनी पार्टी नहीं बना सकते। हाँ, किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं एक ही साथ 2/3 सदस्य। ये पहले 1/3 था, ये पहले 1/3 सदस्य था, जो 2/3 की बात हम कर रहे हैं वो पहले 1/3 था। लेकिन 91वां संशोधन के द्वारा 2003 में, 91वां संशोधन के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2003 में 91वें संशोधन द्वारा इसको 1/3 से 2/3 कर दिया गया। तो अब 1/3 नहीं है, अब 2/3 है। ये 2/3 सदस्य एक साथ जाएंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। लेकिन अध्यक्ष, जो सदन के अध्यक्ष होता है, चाहे विधानसभा का अध्यक्ष हो या लोकसभा का अध्यक्ष हो, जो अध्यक्ष होता है, सदन का अध्यक्ष होता है, उसको इस कानून से छूट प्राप्त है, अर्थात उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ा है। अगर अध्यक्ष है तो सीट चेंज कर लेगा, वो चाहेगा तो, यानी कि पार्टी चेंज कर सकता है, उस पर ये कानून लागू नहीं होगा। तो ये 2/3 वाला अगर नियम हम लागू करें केशव प्रसाद मौर्य पर, अगर 2/3 वाला नियम लागू करें तो भाजपा के पास 251 सीटें फिलहाल बची हुई है, 251 सीटें हैं। 251 का 2/3 अगर हम देखें तो ये लगभग 167-68 के करीब होगा, 167-68 के करीब होगा। तो 167-68 सीटें लेकर, यानी कि इतने विधायक लेकर एक साथ अगर जाते हैं, सपा में जाकर शामिल हो जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य, तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, दल बदल कानून लागू नहीं होगा। लेकिन इससे कम सीटें लाते हैं, 100 सीटें लेकर जाते हैं, तो 100 सीटें लेकर जाएंगे, यानी कि 100 विधायक लेकर जाएंगे, तो उन पर दल बदल कानून आ जाएगा और सभी 100 की सदस्यता रद्द हो जाएगी, सदस्यता ही कैंसिल हो जाएगी। लेकिन बाहर से सरकार बना सकते हैं एक दूसरे का समर्थन लेकर, सपा में शामिल न हो, भाजपा में रहें और भाजपा में ही रहकर सपा का समर्थन ले लें और समर्थन सपा दे दे, तो इस प्रकार से सीटें, इस प्रकार से सरकार बन सकती है। 251 में से अगर 100 माइनस कर देंगे तो 151 बचेगी, 151 और 202 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो 151 पर सरकार नहीं बनेगी, सरकार गिर जाएगी, योगी जी की सरकार गिर जाएगी। और सपा के पास 105 सीटें हैं और 100 अगर ये लेकर चले जाएंगे तो 100 जो 205 सीटें हो जाएगी, तो 205 पर सरकार बन जाएगी और मौर्य अखिलेश की सरकार बन सकती है इस प्रकार से। लेकिन सपा में शामिल होकर नहीं बन सकती है, समर्थन लेकर बन सकती है, एक दूसरे का समर्थन लेकर, उन्हें भाजपा में ही रहना होगा, सब विधायकों को अलग लेकर भाजपा में ही रहना होगा और सपा का समर्थन लेकर सरकार बनाना होगा। तो इस प्रकार से अगर केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहें, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर सपा समर्थन देती है, अखिलेश यादव समर्थन देते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन सपा में नहीं जाकर नहीं बना सकते हैं, भाजपा में रहकर ही बना सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिलती रहे।